ठीक है, तो बोर्स मॉडल के ये सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिख लिए हैं और अब मैं इस पर जो भी आपके एनसीईआरटी दिए, न्यूमेरिकल्स दिए, क्वेश्चन दिए उन पर आ रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में 67 क्वेश्चन है और 67 के 7-7 न्यूमेरिकल है, एक भी थ्योरी या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बावजूद भी एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन भी अगर सब्जेक्टिव नहीं पूछा है, मतलब ये पूरा जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है 99% से भी ज्यादा। ठीक है, तो चलिए अब मैं देती हूँ आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज ने हेडिंग डाला बोस मॉडल करा रही हूँ मैं, BOHR apostrophe S बोस मॉडल। ठीक है, एक मिनट। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा है, ये वाला लेवल भी दिख रहा है क्या? थोड़ा सा इधर ले, क्वेश्चन नंबर 1 से 13। यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है, चलो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equals to 4 to n equals to 2. क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बताओ कि ये किस फॉर्मूला को बिलोंग करेगा? मैम, राइडबर्ग इक्वेशन। ओके, बाकी सब लोग पढ़ लो और पढ़ के मुझे बताओ। बाकी लोग पढ़ के बताओ और जो नए बच्चे हैं वो भी बच्चों ट्राई करके बताओ मुझे कि कौन सा लगेगा फॉर्मूला। मैम, राइडबर्ग इक्वेशन। राइडबर्ग इक्वेशन कैसे कैसे सोचा? मैम क्वेश्चन में मैम वेवलेंथ पूछे, मैम लैम्डा वेवलेंथ का था। हां, और मैम इनकी वैल्यू दे रखी है। हाँ, देखो इतनी लाइन पे गौर करना, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी खा के ऊपर गया था, ऊपर जाके मन नहीं लगा तो फिर से नीचे आया, तो उतनी एनर्जी को उसने एमिट कर दिया। रिलीज करने को कहते हैं एमिशन, एमिट करना। तो जो एमिट की थी वो सनलाइट की थी, आई मीन लाइट एनर्जी की थी, तो उस लाइट एनर्जी का वेवलेंथ पूछा है। तो ये रिलेशन जो समझ में आया, तब व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, अंडरगोस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी जाना, कहां से कहां गया? फ्रॉम n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2। तो 4 और 2 यानी सेकंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, बताओ छोटा नंबर कौन सा, 2 या 4? 2 है। तो इस छोटे नंबर की वैल्यू को n1 कह दो और जो बड़ा नंबर है उसको n2 कह दो। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे राइडबर्ग इक्वेशन लगा दें? 1 by lambda equals to Rydberg's constant into z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ठीक है, 1 by lambda आ जाएगा। Rydberg's constant की वैल्यू मैंने वहां लिखवाई है 109678। एक और बात बता दूं, कुछ किताबों में या कुछ क्वेश्चंस में Rydberg's constant की वैल्यू लिखी होती है, अगर क्वेश्चन वाला लिख के देता है तो बहुत अच्छी बात है, उसी को पुट कर दो, वरना इसकी कई सारी वैल्यू होती है जिसमें लास्ट की 3 digit अलग होती है बस। तो मैंने एक आसान सा नंबर वाली डिजिट तुम्हें दे दी, 109678। ठीक है,
ठीक है, तो वरना ये वाली जो आपको याद है ये वाली आप लिख दोगे. तो मैंने ये वाली लिख दी क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं था एनसीईआरटी ने. ठीक है, इनटू जेड. जेड क्या होता है? हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम का जेड कितना होता है? वन. वन. तो ये मैंने कर दिया वन स्क्वायर, फिर वन बाय टू स्क्वायर अपॉन वन बाय फोर. ठीक है, और ये 1 by lambda का एक्सप्रेशन है, फिर यहाँ से आप lambda निकाल लेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो पहले. 109678 कितना आ रहा है बताओ तो जरा. 3/16 1 by lambda आ रहा है क्या? ये 1 by lambda कह रहे हो? 3/16 नो मैम. ओके, तो समझिए, सॉरी, 3/16 into 109678. ठीक है, ये 1 by lambda का एक्सप्रेशन है, यहाँ से lambda निकाल लोगे. फिर लैम्डा बच्चों डिस्टेंस की यूनिट है. अच्छा, एक और चीज देख लो, यहाँ पे यूनिट भी लिख देती हूँ. रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी सेंटीमीटर इनवर्स, तो लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर्स में आ जाएगी. फिर क्या ये बात समझ में आई? यस मैम. ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर ये? चलो मैं क्वेश्चन पार्ट रब कर रही हूँ, तब तक आप लोग ये लिख लो. क्वेश्चन नंबर 14 है शायद. इसमें ना एक्चुअली क्वेश्चन थोड़े बिखरे हुए से मैनर में है ना. हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी का है, बोर्स मॉडल का. ये क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच. इसके ये स्टेप्स लिख के कर लेना पूरा. ठीक है, हाउ मच एनर्जी. छोड़ना है? नहीं बेटा, अगर पूरा कैलकुलेट कर पाओ तो बिल्कुल पूरा कैलकुलेट करना चाहिए. मैम बहुत छोटी वैल्यू वाली. आने दो, कोई बात नहीं, उसका कोई टेंशन नहीं लो. आंसर जो भी आ रहा हो, एटम भी तो बहुत छोटा है. एटम को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं. एटम खुद कितना छोटा है, तो छोटी वैल्यू आएगी. ठीक है, दो. ओके, एक मिनट. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड. किसी के पास कैलकुलेटर है तो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लो लैम्डा की वैल्यू. एनसीईआरटी में भी पीछे एग्जांपल है, मैं अभी बताओ आंसर दिया है इसका, मैं अभी बताती हूँ. रिक्वायर्ड टू आयोनाइज. मैम बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है मैम, डेसिमल्स में भी. मैम 4.8 में मैम छोटी. हाँ, डेसिमल्स में बड़ी आएगी. हाँ, कोई बात नहीं, आने दो, आने दो. Ionize a hydrogen atom if the electron occupies n equals to 5 or compare your answer with ionization enthalpy of hydrogen atom. और इन्होंने ब्रैकेट में कुछ लिख के दिया है. इन्होंने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from n equals to 1 or. अच्छा, पहले जितना भी तुम्हें समझ में आया हो अपनी भाषा में वो बताओ. मैम हमें मैम एनर्जी निकालनी है मैम, आयनाइज कितना मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब में लगा के मैम. अच्छा, अभी आयनाइज का मीनिंग तुम लोग को पता नहीं है, वो मैं पहले बता देती हूँ. ठीक है, या ये इसका शॉर्टकट बताऊं तो एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई, मतलब आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वैसा ही लिखा जाता है. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को मैं शॉर्ट में आईई लिख रही हूँ. ठीक है, तो अभी एक शॉर्टकट फॉर्मूला देती हूँ. आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 3, हाँ, हम चैप्टर नंबर 2 पर हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो तब मैं बताऊंगी
मतलब क्यों परेशान हो, है ना? तो शॉर्टकट बताती हूँ उसका. एनर्जी का फॉर्मूला तो सामने लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसी एनर्जी का साइन चेंज कर दो तो वो आई ई बन जाता है. ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, अब कंपेयर भी कर लोगे. मैम ये दोबारा बता दीजिए जरा, मैंने रिस्टार्ट किया था. अच्छा एक मिनट मैम, हो गया आंसर. चलो पहली लाइन सुनो जरा. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज फिफ्थ ऑर्बिट. ठीक है, तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो और आई ई चाहिए तो उसी का साइन उल्टा कर दो. ठीक है, तो जरा करके बताओ. तो एनर्जी हो जाएगी माइनस 2.188 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू क्या था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल्स पर एटम होता था. ठीक है, और ये मुझे फिफ्थ ऑर्बिट का रखना है तो देखो मैं क्या रखूंगी, 2.188 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड. कौन सा एटम है, कहां गया, हाइड्रोजन एटम, है ना? तो हाइड्रोजन एटम का जेड कितना होता है, 1 होता है, तो मैं 1 स्क्वायर कर दूं क्या जेड की जगह. और ऑर्बिट है 5, तो आई शुड राइट 5 स्क्वायर. तो ये मुझे एनर्जी मिल गई फिफ्थ ऑर्बिट की. अब मुझे फिफ्थ ऑर्बिट की क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज. इस पूरे टर्म को हम शॉर्टकट में आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं. ठीक है, तो आई ई ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट वुड बी माइनस ऑफ ई. ठीक है, तो माइनस माइनस ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2.188 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 1/25. ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एनर्जी प्लस साइन में होगी और इसको सॉल्व कर दीजिए इंटू 1/25. इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, मैं अभी नहीं सॉल्व कर रही, आप में से जिसके पास भी कैलकुलेटर है क्लास में अभी मैन्युअली करेंगे तो हमारी क्लास का टाइम जरा कम पड़ जाएगा. मैम बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है, मैम बोर्ड ब्लर आ रहा है, मैंने रीजॉइन कर लिया मुझे भी, सबको ब्लर आ रहा है. नो मैम सही है, क्लियर है मैम, कभी कभार ब्लर हो रहा है कभी कभार सही हो रहा है, मैम ठीक आ रहा है. ओके, एक्चुअली इसके पहले ना मैं सेम सी से ही जो इंटरनेट कनेक्शन है एक क्लास पहले भी ले चुकी हूँ तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया. तो आई थिंक ये आपका इंडिविजुअल इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो सकता है. फिर से बोलो, मतलब सेटिंग्स में रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ता है वीडियो का. नहीं मुझे तुम्हारी आवाज, मेरा पहले से ही 720 रेजोल्यूशन में है वीडियो लेकिन तब भी वो बार-बार ब्लर हो रहा है. ओके okay. नहीं कई बार बेटा वो इंटरनेट का ही वो आपका इंडिविजुअल इशू होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मेरी तरफ से इशू होता तो सबको आता प्रॉब्लम, है ना? और उधर उस रूम में सर्वी क्लास ले रहे सेम उस पर तो उनके में भी ऐसा इशू नहीं आ रहा, तो वो आपका इंडिविजुअल होगा. ठीक है, जहां पर भी ब्लरिंग आए ना मुझे बता दो कि मैम मुझे रिपीट कर दो, मैं उसको आपको रिपीट कर दूंगी. ठीक है, बस गलत okay, हो जाए. ओके okay? तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया. ठीक है, जो भी आंसर आया कितना आया कोई बताएगा? मैम मैं बता दूँ. हाँ बताओ. मैम 8.752 इनटू 10 रेस टू बाय माइनस 20. माइनस 20 जूल पर एटम. यस. ओके. अच्छा अब अगला पार्ट है, कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम क्या होता है उसके बारे में इन्होंने बताया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट. हाइड्रोजन एटम ऐसा एटम है दुनिया का जिसमें खाली एक ही ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट तो कई सारे होते हैं, एक ही ऑर्बिट ऑक्यूपाइड होता है और एक इकलौता उसका इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूम रहा होता है. ठीक है, तो इसको तो पहले हम हाइड्रोजन के लिए आई ही निकाल लें, फिर दोनों आंसर्स को जब भी कंपेयर करना होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं. तो ठीक है, तो हम इसका सेम चीज हाइड्रोजन के लिए करते हैं. ठीक है, सेम फॉर्मूला लिखती हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम में क्या कर दूंगी, मैं इसको 1 स्क्वायर कर दूंगी, फिर मैं आई ई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकाल दूंगी
तो यहाँ पर वन लिख देंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस वन बाई, ठीक है? देखो मैंने तो बोर्ड पे लिखा हुआ था, मुझे कुछ मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम लोगों को फिर से लिखना है। ये पहले तुमने फिफ्थ ऑर्बिट के लिए किया, अब हाइड्रोजन एटम यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कर देंगे। पहले हाइड्रोजन एटम फिफ्थ ऑर्बिट था, अब मैंने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कहानी कर दी, ठीक है? अब दोनों के जो आंसर्स आए, दोनों के आई ई, उनको डिवाइड कर दो तो वो कंपेयर होना कहा जाएगा। मैम हमने क्वेश्चन के लास्ट लाइन में क्या लिखा है? ये वाला एनर्जी रिक्वायर्ड, नहीं मैम उससे ऊपर, योर आंसर, ये वाला, कंपेयर योर आंसर विद आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है? क्वेश्चन ने ये लिख के दिया है, उसके आगे भी लिख के दिया है। अच्छा एंथैल्पी, ओके चलो इसको इसको भी थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे। ऐसा है, एनर्जी जो वर्ड है, हम आम भाषा में आम लोग जिस टर्म को एनर्जी कहते हैं, साइंटिस्ट लोग उस टर्म को एंथैल्पी कहते हैं, बस, ओके, ठीक है? तो वो एनर्जी है, ठीक है? यस, इसको फटाफट लिख लो और दोनों के आंसर्स को डिवाइड कर दो बच्चों। मैम आंसर डिवाइड करेंगे तो प्लस 2.11188 इनटू 10 रेस्ट फॉर माइनस 18 की वैल्यू कट जाएगी, तो 1/25 ही रह रहा है बस। अच्छा यस मैम, ओके ठीक है। तो आई ई ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय आई ई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है? हाँ तो सही बात, सही कह रहे हैं आप, है ना? 2.188 into 10 की पावर माइनस 18 into 1/25 उसमें था, और 2.188 into 10 की पावर माइनस 18 into 1/1 इसमें है, it cancels, ठीक है? और अल्टीमेटली 1/25, यस मैम 0.04, हाँ ठीक। आईई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये फिफ्थ और फर्स्ट लिखते, देखो समझ में आया क्या? अपना माइक बंद करो बेटा, जिसका भी समझ आ रहा है ना, हाँ जिसका भी माइक ऑन हो ना बंद कर लिया करो, ठीक है? उससे ना मुझे डिस्टरबेंस होता है तो मैं बोल नहीं पाती फिर उससे। चलो तो ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए। जो बच्चे न्यू हैं आज या जो लास्ट क्लास में थे, क्या उन्हें ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। अग्रिमा? यस मैम। ठीक है, ओके चलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी टॉपिक का है। क्वेश्चन नंबर 2.15 लिखा होता है आपकी बुक में, टू चैप्टर का नाम, पॉइंट के बाद 15 आपका क्वेश्चन नंबर है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस when the excited electrons of a hydrogen atom in n equals to 6 drops to the ground state? अच्छा ground state ये नया term है। ground state क्या होता है? N equals to 1, उसका ओरिजिनल घर, अपना घर। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर में हर बात आप हाइड्रोजन एटम की पढ़ोगे, इसलिए इस चैप्टर से रिलेटेड ग्राउंड स्टेट हमेशा 1 ही होगा, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, तो उस बिल्डिंग का जो पहला फ्लोर है, ठीक है, पहला मतलब उस काउंटिंग में पहला के नीचे से 1, 2, 3 स्टार्ट करें, तो उसे हम ग्राउंड फ्लोर कह रहे हैं, ठीक है? तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट होता है। बताओ पहले बताया था ग्राउंड स्टेट के बारे में। ओके बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला?
कौन सा फॉर्मूला बच्चों? मैम नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस वाला फॉर्मूला है। ओके, और किसी का कोई आंसर? और किसी बच्चे को जो समझ में आया अपनी अपनी भाषा में मुझे बताओ। सेम, एमिशन लाइन यानी निकलने वाली लाइन, रिलीज होने वाली लाइन। तो यस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन नीचे का वाला लास्ट वाला जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लगा देती हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n2 minus n1 plus 1 divided by 2। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे n1 क्या और n2 क्या, नंबर बताओ। n1 and n2 6। बिल्कुल, छोटा नंबर हमेशा n1, बड़ा नंबर हमेशा n2। ठीक है, तो n2 6 हो गया, n1 1 हो गया। फटाफट बता दो कितना जाएगा आंसर। 6 minus 1 plus 1 by 2। ठीक है, 15 आ गया। ठीक है, 15 times। ठीक, तो क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ? अब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ, फिनिश करो उसको। देन बोर्ड मॉडल का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी लेती है, क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टॉपिक पर है। इट इज, इसके दो पार्ट हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जूल पर एटम। ऐसा क्वेश्चन वाले ने लिख के दिया है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कैलक्यूलेट द रेडियस ऑफ BOHR बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट इन फॉर हाइड्रोजन एटम। होपफुली फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे क्या? Yes, ma'am. कहीं क्वेश्चन के लैंग्वेज से कोई परेशानी हो तो बताओ। कई बार कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है? नो मैम। हाँ भाई, तो फर्स्ट पार्ट में क्या फॉर्मूला, पहली लाइन में जो उसने लिख के दिया वो ना भी लिखता ना तो भी तुम्हारा काम चल जाना था। तुमसे पूछा है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या फॉर्मूला लगा दूं? सिंपली एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट लगा दे, इधर से एनर्जी वाला फॉर्मूला। और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, और फिफ्थ ऑर्बिट है n की वैल्यू। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट आ गया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन। फिर पूछा है रेडियस। हाँ जी बोलो। मान जो रेडियस है मैम उसमें a के ऊपर जो जीरो है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं इसका आपको यूनिट कन्वर्जन दे देती हूँ। ये दिख जाएगा क्या, इधर कहाँ लिखूं? मैं अभी यही क्वेश्चन में लिख देती हूँ। ठीक है, वहां पर जगह नहीं है, लास्ट क्लास में यूनिट कन्वर्जन मैंने लिखवा दिए थे।
0.529 इंटू क्या था एन स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग को 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर्स, ठीक है। तो 0.529 इंटू एन, ऑर्बिट है जेड की वैल्यू 1 है इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर्स, तो रेडियस यहाँ पर आप मीटर्स में फाइंड कर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या सारे बच्चों को, जो न्यू कमर थे वो स्पेशली मुझे बताओ। यस मैम, यस मैम। इस चैप्टर की एक सबसे मजेदार बात ये है कि इसका जो थ्योरी पार्ट पढ़ाने का है वो थोड़ा सा आप लोग के लिए क्योंकि नया होता है, ठीक है, तो वो कई बार बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपके सामने फॉर्मूला है सीधे सीधे आप फॉर्मूला रखो और वैल्यू पुट करो, ठीक है। टॉपिक थोड़ा पहली बार जब लेते हैं तो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या है, बड़ा हैवी सा टॉपिक लगता है ना, और उसका थ्योरी भी बताया जाता है इसमें ऐसा वैसा वैसा, बट थ्योरी कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। बस आपको उसका सिंपल भाषा में कॉन्सेप्ट पता हो और फॉर्मूला याद हो तो आपके इस चैप्टर में कमांड आ जाती है। तो मैं एक बार पढ़ाने के बाद क्या करती हूँ, मैं बच्चों को कहती हूँ कि एक पेज लो, ठीक है, जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, और इस चैप्टर के टॉपिक वाइज सारे फॉर्मूला लिख लो। एक पेपर में सारे फॉर्मूला आ जाते, एक बड़ा सा पेपर अपनी उसका रजिस्टर का ले लो, ठीक है, चाहे आगे थोड़ा बहुत पीछे भी आ जाए, एक पेपर में सारे फॉर्मूला आ जाते हैं और एक पेपर में पूरा चैप्टर आपके हाथ में होता है। मतलब अगर आप चैप्टर की थ्योरी ना भी पढ़ो, खाली वो पेपर पढ़ जाओ, तो इस चैप्टर में आप फुल मार्क्स ले आते हो, ठीक है। तो ये ऐसा चैप्टर है कि जो बहुत स्कोरिंग है, और थ्योरी भी सुनो तो कोई मजेदार है, कोई इतना बोरिंग नहीं है, ठीक है। चलो मैं ये रब कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, देखते हैं 17 इसी टॉपिक का है क्या। हाँ 17 भी, अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मुझे तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा। चलो, कैलक्यूलेट the wave number of the longest wavelength transition in the Balmer series। ये आप लोग के लिए सबके लिए नया है, नए बच्चों के लिए तो मेनली, ठीक है, बाकी बच्चे तो बामर सीरीज से फैमिलियर हैं। बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, परेशान नहीं होना, इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ भाई, और जो पुराने बच्चे हैं वो बोलेंगे मैम वेवलेंथ तो ठीक है, ये लॉन्गेस्ट क्यों रख दिया इसके आगे, है ना। तो जरा इस बात पर आते हैं। तो भाई हमने इसको समझाने से पहले चलो मैं जरा शॉर्ट में बता रही हूँ बामर सीरीज की बात करते से। नए बच्चे, बच्चों थोड़ा सा होल्ड पे रखना, है ना, ठीक है। ये बामर सीरीज का मतलब मैं आपको नहीं बता रही, बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि बामर सीरीज में बेस लाइन होती है 2। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर सकता है, यहाँ से जंप कर सकता है, यहाँ से जंप कर सकता है, यहाँ से और इन्फिनिटी से, है ना, कितने भी ऑर्बिट्स इसमें भी हो सकते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो जितनी टोटल पॉसिबल लाइन्स बन सकती हैं, इन सारे बंडल ऑफ लाइन्स को हम बोलते हैं बामर सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ये ऐसी सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज में सबसे छोटी लाइन कौन सी है। ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, 6 7 8 चलते चलते n इक्वल टू इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ सबसे छोटी लाइन कौन सी है सीरीज की, कहां से कहां तक की। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, ठीक है, 3 से 2 का जो जंप है वो सबसे छोटा जंप है, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर लाइन है, ये जो स्मॉलर जंप है, छोटा जो जंप है,
इस जंप की एनर्जी भी छोटी होगी, बड़े जंप की एनर्जी बड़ी और छोटे जंप की एनर्जी छोटी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, क्या मैं बोल दूं कि ये स्मॉलर एनर्जी की लाइन है, क्योंकि ये जंप छोटा है तो इसकी एनर्जी भी छोटी है। अब जिसकी, अच्छा तुमने वो पढ़ा था प्लैंक्स इक्वेशन में, प्लैंक्स इक्वेशन में पढ़ा था E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यानी एनर्जी और लैम्डा का आपस में क्या रिश्ता है, इनवर्सली रिलेशन रिलेटेड। E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये आज के बच्चों के लिए नया इक्वेशन है, इससे भाई परेशान नहीं हो, पुराना जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल इतना बता रही हूँ मैं। एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ये रख दूं कि अगर इस छोटी लाइन की एनर्जी कम है तो इसका लैम्डा लार्ज होगा? Yes, ma'am. ठीक है, और ये जो आखिरी लाइन है, लास्ट लाइन, ये इनफिनिटी से ये सबसे लार्जर लाइन है, लार्जर की बोलूंगी, लार्जेस्ट लाइन है ये, जो आखिरी लाइन है ये सब पूरी इनफिनिटी से जो आती है वो हमेशा सबसे बड़ी लाइन होती है। बड़ी लाइन का क्या मैं बोल दूं, एनर्जी गैप भी बड़ा है। Yes, ma'am. तो इसकी एनर्जी भी लार्जर होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्या मैं बोल दूं कि उसका जो लैम्डा है वो स्मॉलर होगा? Yes, तो अब बताओ कि बामर सीरीज में लार्जेस्ट वेवलेंथ, अभी जरा इसके क्वेश्चन पूरे हो जाएं, फिर इस कॉन्सेप्ट की मैं एडिशनल क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है। तो फिलहाल मुझे बताओ कि बामर सीरीज में लार्जेस्ट वेवलेंथ किस नंबर से किस नंबर के जंप पे बनेगी? 3 to 2, ठीक है। अब 3 और 2, इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन? 2, तो मैं 2 को तो N1 बोल दूं और 3 को N2 बोल दूं। मुझे इस कहानी पे क्या निकालना है, वेव नंबर। तो जरा बताओ यहाँ पे वेव नंबर कहाँ है, ये रहा 1/λ को वेव नंबर कहते हैं, जरा छोटा सा लिखने में आया मुझसे, 1/λ को रिडबर्ग इक्वेशन लगा दो, रिडबर्ग इक्वेशन होती है आपकी 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1/N1² माइनस का 1/N2² और 1/λ इक्वल टू वेव नंबर, ऐसे लिखते हैं वेव नंबर को। पहले एन यू न्यू रखा, मतलब फ्रीक्वेंसी का सिंबल, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, बार न्यू कहते हैं इसको, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको ये टर्म्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, तो भी इनसे परेशान नहीं होना। तो हमें ये निकालना है बच्चों, वेव नंबर यानी बार न्यू, तो बार न्यू इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट क्या रखूं, 109678। Z की वैल्यू क्या रखें, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, N1 की वैल्यू क्या रख दूं, 2 रख दूं, N2 की वैल्यू क्या रख दूं, 3 रख दूं, और इस तरह से आप सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो सेंटीमीटर इनवर्स में आपके पास ये आंसर आ जाएगा, निकाल लो इसको फटाफट, कंप्लीट करो। सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, सेंटीमीटर में आंसर आएगा वेव नंबर का, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि जो वेव नंबर है ना वो 1/λ है, लैम्डा की यूनिट सेंटीमीटर में होती है, तो वेव नंबर की किस में होगी, सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। ओके मैम, ठीक है। तो 109678 1/4 माइनस 1/9, और इसको सॉल्व कर लोगे जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स इनवर्स में आ जाएगा। देखो तो में आया क्या? Yes, ma'am. Okay, अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा 17 किया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज, ये बड़ा सा इसको पढ़ दूं क्या, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट
टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट. शॉर्टकट पे इन्होंने पूछा व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड यानी जहां भी एनर्जी के आगे एब्जॉर्ब्ड रिलीज रिक्वायर्ड लिखा हो तो मतलब शुड आई से कि वो डेल्टा ई है. व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड कब, जब इलेक्ट्रॉन वन से फिफ्थ में, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करके जा रहा है. ठीक है, तो डेल्टा ई आपसे पूछ लिया. एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट. और जब वो फिर से फिफ्थ से फर्स्ट में कूद रहा है तो जो लाइट एमिट होगी उसका लैम्डा क्या होगा. ये दो बातें वो आपसे जानना चाह रहा है. तो और कुछ भी है क्या, बस बताओ जरा क्या करें. डेल्टा ई का फॉर्मूला देख लो सीधे सीधे. डेल्टा ई का फॉर्मूला ये रहा, एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब्ड रिक्वायर्ड सब ये टर्म्स है ना. जब किसी क्वेश्चन में सिर्फ एनर्जी वर्ड लिखा हो तो ये और एनर्जी के आगे कुछ और भी एडिशनल है एब्जॉर्ब रिलीज रिक्वायर्ड एमिटेड है ना, तो इसका मतलब डेल्टा ई है. और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एन की दो वैल्यू दी जाएगी, दी गई होंगी, ये भी आपका एक हिंट है. ठीक है, तो 2.188 10 की पावर माइनस 18 इनटू जेड स्क्वायर. ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर जूल्स पर एटम इसकी यूनिट हो गई. ठीक, 2.188 10 की पावर माइनस 18, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन है इसलिए 1, n1 की वैल्यू ग्राउंड स्टेट है तो 1 और n2 की वैल्यू 5 हो गई. ठीक है, यहां से डेल्टा ई निकाल लोगे इसको सॉल्व करके और इसी डेल्टा ई का लैम्डा भी निकालना है. तो बताओ कैसे निकालें. लैम्डा कैसे निकालें बच्चों. मैम डेल्टा ई को ऑपोजिट कर देंगे तो लैम्डा भी आ जाएगा, मतलब इनवर्स होता है. इसमें एक एक तो देखो, इसके दो अल्टरनेट हो सकते हैं लैम्डा निकालने के. एक तो तुम रिडबर्ग इक्वेशन लगा दो, उससे भी निकल जाएगा. दूसरा एक शॉर्टकट और बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में सीधे सीधे तुम्हें डेल्टा ई से लैम्डा निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, अगर तुम इसे रिडबर्ग से करोगे तो भी वही आंसर आएगा और इससे करोगे. ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से रख दो. एच की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो आप लोगों को याद करनी होती है. नए बच्चों को ये नहीं पता, ठीक है, पुराने बच्चों ने ये पढ़ा है ना. तो 6.626 10 की पावर माइनस 34 इनटू सी सनलाइट की स्पीड 3 इनटू 10 की पावर 8 और लैम्डा तुम्हें फाइंड करना है और डेल्टा ई यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो. ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सीधे सीधे तुम्हें ये पता है फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में ट्रांजिशन है, रिडबर्ग इक्वेशन लगा देना, वहां से भी लैम्डा आ जाएगा, उसका भी यही आंसर होगा. ठीक है मैम, एक कर लो पहले, जब हो जाए तब बताओ मुझे. वो क्या क्या मैम हो गया मुझे. हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सबको क्लियर, किसी बच्चे को कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ. क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं. ठीक है, तो 19 इज ये भी बड़ा सा है, इसको रीड कर दूं क्या. दी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. इन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिया है. कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट. अच्छा,
इस लाइन को मैं लिख दूँ, कैलकुलेट दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट. What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? What is the longest wavelength of light needed to cause this transition? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को फंसा सकता है. रीजन कि इसका जो ऊपर वाली लाइन का कॉन्सेप्ट है ये अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है. बेसिक इंट्रोड्यूस आपके चैप्टर 3 में होता है, एक दो क्वेश्चन में बस इसको डाल दिया गया है. देखो ऐसा है कि एक क्लासरूम चल रही थी, ठीक है. क्लास में मेरा रोल है टीचर का, न्यूक्लियस का, और मेरी क्लासरूम में यहाँ पे पहली रो में चेयर्स हैं, फिर दूसरी रो में चेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे मल्टीपल रोज में चेयर्स लगी हैं, ठीक है. और हर चेयर पे एक एक बच्चा बैठा है, तो बच्चे का रोल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है. चेयर्स की जो रो है, पहली रो वो पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरी रो दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरी रो तीसरा ऑर्बिट हो गया, एंड सो ऑन. और टीचर का रोल है न्यूक्लियस का, ठीक है. तो सारे बच्चे न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड हैं और चुपचाप पढ़ रहे हैं. अब क्या है कि अगर पहली रो के किसी एक बच्चे को मैंने खड़ा किया, ठीक है, तो पहली रो के उस बच्चे की जो एनर्जी है उसको बोल दो इवन. अब मैंने तीसरी रो के एक बच्चे को खड़ा किया जो अपनी तीसरी रो की चेयर पे बैठा था, तो तीसरी रो की चेयर की बच्चे की एनर्जी होगी E2 या कुछ और एनर्जी होगी, E3 बोल दो, थर्ड रो की E3 बोल दो, ठीक है. तो यानी अपने अपने ऑर्बिट में, अपनी अपनी चेयर पे, अपनी अपनी रो में जब कोई बच्चा बैठा है, इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो उसकी एनर्जी है E, ठीक है. अगर मैंने एक बच्चे को कहा कि तुम पहली रो से उठ के थर्ड रो में चले जाओ, वहां की चेयर पे जाके बैठो, तो इलेक्ट्रॉन ने कहां ट्रांजिशन किया, पहले ऑर्बिट से जाके थर्ड रो में गया. तो जब कोई बच्चा क्लासरूम में रो बदलता है अपनी, या इस रो से उस रो में, तो उसके ऊपर कौन सा फंडा अप्लाई होगा, डेल्टा ई का, यानी उसकी एनर्जी में क्या चेंज आया, डेल्टा ई का. और जब कोई बच्चा अपनी ही रो में अपनी चेयर पे बैठा है तो उसकी एनर्जी कैसे रीड होगी, ई से रीड होगी. तो ये दो बातें समझ में आई क्या, पहले तो बताओ. जब वो अपनी चेयर पे बैठा है तो उसकी एनर्जी ई है, जब वो अपनी चेयर को फर्स्ट रो से बदल के थर्ड रो की चेयर पे चला गया तो उसकी एनर्जी बदल गई, कितनी बदली, डेल्टा ई हो गई. अब क्या हुआ, एक बच्चे को मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया, वो क्लासरूम के अंदर ही नहीं है, ठीक है. जब वो अंदर ही नहीं है तो मैं ये बोलूंगी कि वो स्टूडेंट क्लास से आयोनाइज हो गया. जब मैं किसी बच्चे को उस बाउंड्री से ही बाहर निकाल दूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, वो बच्चा क्लास से आउट हो गया. मैं आउट नहीं बोलूंगी, मैं केमिस्ट्री की भाषा में बात करूंगी, तो मैं बोलूंगी वो बच्चा क्लास से आयनाइज हो गया, ठीक है. कहाँ गया हमें नहीं पता, क्लास से बाहर जाने के बाद वो यहाँ कहीं भी घूम सकता है, वो इंस्टीट्यूट के बाहर भी जाके घूम सकता है, वो इनफाइनाइट मतलब कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है. तो उसकी प्रेजेंस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अज्यूम इमेजिन कर लेते कि अच्छा वो तो वहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, मतलब न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो गया तो आयनाइज हो गया. तो जब आयनाइज होता है तो वो कहां जा सकता है, जितनी हमारी सोच पहुंच सकती है कि वो शायद वहां भी चला गया होगा, वहां भी, तो उसकी पोजिशन को लिखोगे इनफाइनाइट, ठीक है. तो देखो पहली लाइन का मतलब, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट, यानी हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल रहे हैं, एटम से आउट कर रहे हैं, मतलब हम एक बच्चे को क्लासरूम से आयनाइज कर रहे हैं. तो बच्चा पहले क्लास में था, सेकेंड रो में बैठा था, तो उसका पहला लेवल था N2. जब वो क्लास से बाहर चला गया तो अब उसकी पोजीशन क्या कही जाएगी, इनफिनिटी, ठीक है. तो अब इसका डेल्टा ई क्या निकालोगे, 2.188 into 10 की पावर -18
इंटू जेड स्क्वायर, वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन बाई इंफिनिटी, और वन बाई इंफिनिटी तो जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, z की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, हाइड्रोजन एटम है, और 2.188 इंटू 10^-18, ये डेल्टा ई। और एक बात आपको और बता दूं, इसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो जो मैंने वो शॉर्टकट आपको बताया था ना, IE इक्वल टू माइनस ई, वो यहाँ से आता है जब हम N2 की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लेते हैं। मतलब वो कुछ होता ही नहीं है तो उसको हम लिखना ही जरूरी नहीं समझते, है ना। इनफैक्ट वन भी होता है तो वन का स्क्वायर हम लिखना जरूरी नहीं समझते, कि पता है सबको वन ही तो होना है। क्वेश्चन में फिर से ये यहाँ पर व्हाट इज दी, इसके आगे बात कर रहे हैं, नीडेड टू, अच्छा नीडेड टू कॉज, नीडेड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन का पहली लाइन वाला पार्ट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और अगर अब इसको थोड़े शॉर्टकट में बात करूं, मैंने इस लाइन का मतलब समझाया, तो क्या मैं बोल दी सेकेंड ऑर्बिट की आई ई आपसे मांग रहे, आई ई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसको आप कैसे याद रखोगे, कि आपको अगर टीचर क्लास से बाहर निकाल दे, मतलब आपका क्लासरूम से आयनाइजेशन हो गया, ठीक है। आपको मम्मी पापा घर से बाहर निकाल दें, निकल जा घर से बाहर, तो घर से आपका आयनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन मतलब उस ग्रुप से आपको बाहर निकाल देना, समझ गए। तो आयनाइजेशन वर्ड याद रहेगा हमेशा। यस मैम। मैम आयनाइजेशन का मतलब एनर्जी रिलीज्ड ही तो होता है या फिर मैम कुछ और? नहीं, अब अभी एनर्जी रिलीज और उस पर दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। अब उसका लॉजिक थर्ड चैप्टर में बताऊंगी जब आप प्रॉपर इसका मतलब पढ़ेंगे। अभी जो मैंने इसका मतलब बताया जितना जरूरत है, ठीक है, और जब वो क्लास से बाहर निकलोगे, जब आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो आपका दिमाग तो खराब हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट से ऑपोजिट स्टेट पे आ जाओगे ना, तो हमेशा जो आई ई होती है उसका साइन नॉर्मल एनर्जी से माइनस उल्टा होता है। यस मैम। ठीक है, तो जब आई ई होगी तो आपका दिमाग का भी हालत यही होगा कि जो आपकी नॉर्मल घर में एनर्जी ई होती है, तो आई ई के बाद आपका स्टेट क्या होगा, माइनस ई हो जाएगा। यस मैम, ये 10th में मैम आईसीएसई में पढ़ा दिया गया। अच्छा हाँ, तो आईसीएसई वालों ने पढ़ा होगा, सीबीएसई में नहीं पढ़ाया गया है, तो सीबीएसई वाले बच्चों को ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सुनो, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लाइट, द लॉन्गेस्ट लैम्डा ऑफ लाइट नीडेड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। तो यहाँ पर तो लॉन्गेस्ट का कोई मतलब ही नहीं, खाली लैम्डा ही जरूरी है। तो इसके लिए क्या लैम्डा होगा, तो लैम्डा का वाला फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा ई इक्वल टू क्या था, एच ई बाय लैम्डा, ठीक है। तो अगर आपको डेल्टा ई की वैल्यू पता चल गई, उसकी वैल्यू पुट करो यहाँ से लैम्डा, ये करो, समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, आई थिंक एक क्वेश्चन और है या खत्म हो गए? खत्म हो गए। एक मिनट, कैलकुलेटिव खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने अभी आपको क्या कराया, क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक के क्वेश्चन करवाए हैं, ये बोर्ड्स मॉडल के क्वेश्चन है ना, लिख लो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक बोर्ड्स मॉडल के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अभी देखो मेरे पास कितना टाइम है, 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक सकते हो क्या? अभी कोई क्लास है तुम लोग की, इससे अटैच कोई क्लास है क्या, ये बताओ? नो मैम, नहीं है, तो 10 मिनट लूंगी, ठीक है, चलो 10 ही 9 मिनट ले लूंगी।
ठीक है, एक क्योंकि वो टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा, तो अगली क्लास से एक दो और नए बच्चों को ज्वाइन कराना है, उनको नहीं कराया अभी, उनको कॉल नहीं किया, सर कह रहे थे उनको भी कॉल कर दो, मैंने कहा नहीं अब जो भी है वही कंटिन्यू कर ले, ठीक है, तो फिर वरना उनको भी ऐसे बिठाना पड़ेगा, तो इसलिए वो अभी फिनिश कर देते, ठीक, तो 9 मिनट लूंगी तुम्हारे पास, 9 मिनट हो जाए तो मुझे बता देना। अब ऐसा है कि ये वाला तो हो गया, थोड़ा सा इसमें मुझे तुम्हें एडिशनल ये बताना था कि जैसे मैंने लिखा कैलक्यूलेट दी लैम्डा ऑफ लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, तो लाइमन सीरीज क्या होती है, वैसी सीरीज बनाओ फिर से, ठीक है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर इंफिनिटी से आ रही है नीचे आ रही है लाइन, लाइमन सीरीज की बेस लाइन 1 होती है ना, कौन सी सीरीज होती है, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फर्ड और हम्फ्रे, ठीक है, तो लाइमन की बेस लाइन 1 होती है, ठीक है, और ये इंफिनिटी से आ रही है, तो मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, तो बताओ लाइमन सीरीज की लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी कौन सी है, मान जो इंफिनिटी से आ रही है, अरे क्या है ध्यान से, सबसे छोटी लाइन की एनर्जी, हाँ सबसे छोटी लाइन की एनर्जी मिनिमम, तो बेस लाइन एन वन है तो उसके ऊपर टू है, बिल्कुल, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ सबसे छोटी लाइन को लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, यानी इसका एन वन होगा 1 और एन टू होगा 2, तो लैम्डा निकाल लो 1/λ रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर 1/1² -1/2², यहां से लैम्डा निकाल, देखो क्या ये बात समझ में आई क्या, सपोज मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन हीलियम आयन, हीलियम का एटॉमिक नंबर Z2 होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, बताओ जरा, तो हम मतलब इसमें इनफाइनाइट लेंगे, हाँ चार इनफाइनाइट लोग हैं N1 की N2, अच्छा और एक मिनट बच्चों, इन लाइमन सीरीज बोल दे तू, इन लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का बेस लाइन 1 है नीचे वाला लाइन है ना, अब बताओ लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, तुम बोलोगे अच्छा मैक्सिमम एनर्जी मतलब सबसे बड़ी लाइन की, तो वो तो इनफाइनाइट और लाइमन सीरीज है तो 1 पे कूदेगा, इनफाइनाइट से 1 पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है, तो यानी n1 क्या रखूं 1 क्योंकि लाइमन सीरीज है, n2 क्या रखूं इनफाइनाइट, और z की वैल्यू क्या रख दूं 2, और फिर से वही रिडबर्ग इक्वेशन लगा दो 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट z की वैल्यू 2² 1/n1² -1/∞, ठीक है, ये क्वेश्चन में z की वैल्यू 2 क्यों ली, क्योंकि बेटा मैंने हीलियम आयन लिया है, हाइड्रोजन होता तो Z1, मैंने हीलियम, हीलियम आयन हो या एटम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, Z हमेशा सेम रहता है, हीलियम मैंने लिखा है तो हीलियम का Z को 2 होगा ना, यस मैम, अगला क्वेश्चन सुनो, हाँ बोलो मैम, पहले क्वेश्चन में अगर दिया नहीं हुआ कि कौन सा एटम है हम ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन ले लेंगे, नहीं दिया होगा मैं लिखना भूल गई, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन एटम था, दिया होगा वो मुझसे मिस हो गया क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन था तुम्हें ये बताने में ना, तो क्वेश्चन में मुझसे हाइड्रोजन एटम लिखना मिस हो गया, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लो, कैलकुलेट दी सेकेंड लाइन ऑफ पाशन सीरीज, इन लिथियम आयन, सेकेंड लाइन ऑफ पाशन, अब यहीं पे बना देती हूँ, पाशन सीरीज का बेस लाइन क्या होता है बताओ, लाइमन बामर पाशन 3 होता है, तो ये 3 है, अब ऊपर के नंबर क्या होंगे 4, 5, 6, 7 होगा, तो जरा इसकी सेकेंड लाइन बताओ, पाशन सीरीज बना दी, सेकेंड लाइन बताना कहाँ से कहाँ तक, 5 से 4 से 3 तक, ना ना 4 से 3 तो पहली लाइन बन गई, सेकेंड लाइन तो ये है, यस सर, 5 से 3 जो तुमने पहले बोला था,
तो अगर मैं सेकेंड लाइन की बात करूँ पाशन सीरीज की, तो एन 523 छोटा नंबर है 3, तो एन 1 की वैल्यू 3 बड़ा नंबर हो गया 5, और कौन है लिथियम, लिथियम का जेड क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी जेड होता है 3, रख दो फिर से रिडबर्ग्स इक्वेशन, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं उस पे ऑब्जेक्टिव पे कॉम्पिटिशन में, इस पर जो बनते हैं, ठीक है। 3 स्क्वायर एनसीईआरटी में तो बहुत ही सिंपल सिंपल दिए हैं, ठीक है, बट ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आई थिंक, बताओ तो मैम 5 क्यों लिया हमने, 4 क्यों नहीं लिया? पहली लाइन बताओ जरा फ्रांसिस कांता के, लाइन ये है बेटा, पहली लाइन कहाँ बनी, 4 से 3 का जंप पहला, दूसरा जंप कौन सा, 5 से 3 का जंप भी तो दूसरा हुआ। ओके मैम समझ गए, एक क्वेश्चन और ले लो। कैलक्यूलेट ई लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज इन हीलियम आयन, बनाओ जरा। थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, इतने सारे बच्चे भाग गए, हाँ, बताओ तो बन गया क्या, ब्रैकेट लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, ब्रैकेट का बेस लाइन बच्चों 4 होता है, सबसे नीचे की लाइन, अब जरा बना दो, अगर बेस नंबर 4 है तो ऊपर की लाइन को तो लिखोगे 5 6 7 8, तो हमें कौन सी थर्ड लाइन, हाँ 7 7, तो यानी यहाँ पे एन 1 की वैल्यू 4 और एन 2 की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू हीलियम है तो क्या लिख दू, 2 लिख दो और फिर से रिडबर्ग्स इक्वेशन लगा दो, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, z स्क्वायर, z की जगह रख दोगे तो 2 स्क्वायर, ठीक है, 1/4 स्क्वायर - 1/7 स्क्वायर, ठीक है। एनसीईआरटी में तो फिर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन इस पे कॉम्पिटिशन लेवल पे बनते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा पार्ट मुझे इसमें बताना था तुम्हें, ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे आज नए थे, अब जो नया पढ़ाऊंगी वो उन्हें भी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा नए वाले बच्चे हैं अभी, यस मैम, यस मैम। अच्छा ऐसा है बच्चों कि मैं जो भी लेक्चर्स मैंने अभी पढ़ाए हैं है ना, इनको मैं साथ में रिकॉर्ड करती जाती हूँ, अपना माइक बंद करो पहले, इनको मैं साथ में रिकॉर्ड करती जाती हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये आई थिंक कल ही सर ने शायद अपलोड कर दिए हैं, मैं एक बार चेक करूंगी, वरना आज की डेट में ये अपलोड हो जाएंगे अगर नहीं आपको मिले हो तो, ठीक है। तो ये अपलोडेड लेक्चर्स तुम लोग देखोगे, चैप्टर 2 के ही पहले देखना, चैप्टर 1 के नहीं देखना अभी, चैप्टर 1 बाद में लेंगे जिन बच्चों का मिस हुआ है, चैप्टर 2 जो अभी करंटली चल रहा है। हाँ मैम एक ही लेक्चर हुआ है अभी तो, नहीं वो 2-3 मल्टीपल लेक्चर मर्ज करके एक एक लेक्चर डालें, इस तरह से डालें, ठीक है। तो वो आप नहीं सोचना कि इतने लेक्चर्स होंगे, मल्टीपल लेक्चर्स मर्ज करके और फिर उसको 1 या 2 बना करके डालें, ठीक है। तो वो लेक्चर्स करके अपने नोट्स बना लो एक बार यहाँ तक के, और जो भी डाउट होता है वो मैं आप लोग के डाउट्स ले लूंगी अलग से, ठीक है। जो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा यही वाला क्लासरूम का जो है लेक्चर मैंने डाला है, ठीक है। तो जो भी न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूंगी कि जल्दी से वो लेक्चर्स देख लो, ठीक है, नोट्स बना लो, तो आगे की चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जो भी डाउट है वो मैं आप लोग के डाउट लूंगी, ठीक है। यस मैम थैंक यू, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं बच्चों। हाँ हाँ बोलो 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 मैम, जो एनर्जी एब्जॉर्बन है ये नेगेटिव क्यों नहीं होती मैम? अच्छा डिफरेंस है, अगर तुम -4 और -2 का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, सिर्फ 2, यस मैम, ठीक है। तो डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए डेल्टा ई है तो वो नेगेटिव ही होगा, ओके मैम थैंक यू, ठीक है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं 11th क्लास, यस मैम, ठीक है, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके आना, यस मैम।
ओके ओके बच्चों।